थाने पे आते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है वो जो अपनी कंप्लेंट लिखा रहा है वो कैसी है, कंप्लेंट पुलिस की लायक है कि नहीं है, मतलब संज्ञेय है कि असंज्ञेय है। अगर संज्ञेय मामला है उसमें तुरंत हम FIR दर्ज करेंगे, अलग NCR भी बोलते हैं, अदम चेक भी बोलते हैं, और 155 मतलब एक शब्द और हम आपको बता दे रहे हैं, दो तीन शब्द बोलते हैं, अलग अलग अरबी शब्द हैं वो डाल के उसको दे देते हैं। वो ऐसे में वो व्यक्ति सीधा न्यायालय जाके अपना पक्ष रख सकता है। अब थाना स्तर पर जब भी FIR होती है, FIR दर्ज करने के बाद में FIR जब हम दर्ज करते हैं तो उस समय पर देखते हैं कि घटना क्या थी, घटना स्थल क्या था, घटना का समय क्या था, आरोपी कौन थे, आरोपियों की संख्या कितनी थी। संख्या के ऊपर भी हमारी जो सेक्शन है वो डिपेंड करती है कि कौन कौन से सेक्शन हमें लगाना है। अगर संख्या 5 या 5 से कम है तो अलग सेक्शन लगेगी, संख्या 5 या 5 से ज़्यादा है तो अलग सेक्शन लगेगी। लिखा होगा ये लोग तो आप लोग पढ़ा होगा है ना। FIR जैसे दर्ज होते हैं अगर सामने वाले को चोट लगी है सबसे पहले MLC करवाते हैं, लेकिन काफ़ी बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि सामने वाले व्यक्ति को चोट ज़्यादा लगी होती है, ऐसे में हमारी प्राथमिकता रहती है कि पहले हम उसका इलाज करवाएं, उसकी जान बचाए। जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। FIR तो हम 1 घंटे बाद 1 दिन बाद भी ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की जान के साथ में कोई खिलवाड़ हो गया तो फिर हम किस काम के लिए बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम MLC करवाते हैं अगर उसकी स्थिति सही नहीं है। एक रोजनामचा जो हमारे यहाँ पे रोजनामचा जानते हैं आप लोग, डेली डायरी, ठीक है, डेली डायरी में एंट्री करके एक MLC फॉर्म भर के सीधा उसको अस्पताल पहुंचा देते हैं। FIR लिखने के बाद में हमारे जो विवेचक रहते हैं, थाना अलग अलग बीटों में डिवाइड है, हमारे थाने में लगभग 4 बीट बनी हुई, मतलब 4 हिस्सों में किस बीट का मामला है, जो संबंधित वहाँ के जो प्रभारी हैं, या FIR किस स्तर की है, सामान्य धाराओं की है, हेड कॉन्स्टेबल या ASI को देते हैं, अगर उससे बड़ी धाराएं गंभीर धाराएं तो सब इंस्पेक्टर को देते हैं। और ज़्यादा गंभीर मामला है 307 का है, 302 का मामला है, या कोई डकैती हुई है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन फिर हमारी तरफ से होती है। अगर महिलाओं से संबंधित कोई अपराध है, हमारे यहाँ पे महिला अधिकारी भी हैं, एक ऊर्जा डेस्क अलग चल रही है थाना परिसर में, पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है, तो उसको महिला अधिकारी डील करती है। FIR लिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है, घटनास्थल देखते हैं, नक्शा मौका बनाएंगे, फरियादियों के कथन लेंगे, गवाहों के कथन लेंगे, घटना से संबंधित जो भी एविडेंस है वो इकट्ठे करते हैं। अगर किसी मामले में हमें कोई ड्राफ्ट तैयार करवाना है, ड्राफ्ट से मतलब यह है कि जो भी चीज़ें हमने सीज की हुई हैं, कोई संपत्ति सीज की हुई है या कोई एविडेंस सीज की हुए हैं, हमें लगता है कि हमारे अकेले कहने से उस चीज़ का कोर्ट में प्रूफ नहीं होगा, तो हम एक एक्सपर्ट की राय लेते हैं, एक ड्राफ्ट तैयार करवा के वो एक्सपर्ट के पास पहुँचाया जा सकता है। एक्सपर्ट जबलपुर में भी हैं, सागर में भी हैं, पूरी इंडिया में, चंडीगढ़ में जो अलग अलग लैब बनी हुई वहाँ पर भी पहुँचाते हैं, वहाँ से जो वो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट हम अपने इन्वेस्टिगेशन में शामिल करते हैं। फाइनली जब अपराध प्रमाणित हो जाता है कि हाँ ये घटना हुई है, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद में अभियोग पत्र हम पेश करते हैं न्यायालय में, फिर उसके बाद में न्यायालय की प्रक्रिया चालू हो जाती है, फिर यहाँ से आप लोगों का काम चालू होगा। आप लोगों से कोई वकील रहेंगे, कोई मजिस्ट्रेट बनेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। सागर की जो FSL है, फॉरेंसिक साइंस लेवल की, उसमें अलग अलग ब्रांच है, नकली नोट का भी हो जाता है वहाँ पे, साइबर की भी वहाँ पर ब्रांच आ गई है, DNA भी वहाँ पर होता है। जबलपुर में है, लेकिन जबलपुर में ब्रांच है उसकी। अच्छा सर, एक्सपर्ट जो लाइक सिग्नेचर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, उसके लिए भोपाल भोपाल में भोपाल पहुंचाना पड़ता है। सर, जैसे MLC रिपोर्ट आप बोल रहे हैं, जैसे कोई हैवी केस होते हैं 307 के जो हो जाता है जो अटैम्प्ट, तो जब हैवी हो जाता है, हैवी ब्लडिंग हो जाती, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फैमिलीज वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना ले जाके प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो उसकी आप लोग MLC रिपोर्ट एग्जिबिट करते हैं? बिल्कुल करेंगे,
कहीं घटना तो हुई उसके साथ? नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा कि पुलिस ऑफिसर जो भी है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ज़्यादा एमरजेंसी रिपोर्ट वो ज़्यादा वो रहती है। आपसे सुनने क्या बोला था, हमारी प्राथमिकता क्या है? अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस वहाँ मौजूद नहीं है, परिवार वाले मौजूद नहीं है, रास्ते चलते कोई व्यक्ति उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कराता है, तो क्या उसके साथ में घटना नहीं हुई क्या? घटना हुई है तो फिर उसमें अगर उसका इलाज हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट हमें शामिल करना पड़ेगा। सर, जैसे बहुत से हॉस्पिटल में ऐसे केसेस होते हैं, एक्सीडेंट या मर्डर केसेस होते हैं, कोई किसी को हमला करते हैं, तो वो हॉस्पिटल जाते हैं, सबसे पहले बोलते हैं हम आपको ऑपरेट नहीं करेंगे जब तक पुलिस ना आए। तो उसमें हम क्या फेवर करते हैं, तो पहले ऑपरेट कर लेना चाहिए फिर हम आए, या आपके आने के बाद उनको ऑपरेट करना चाहिए? कुछ टाइम ही रहता है, इंतजार करते, बहुत से ऑफिसर कहीं बिजी होते हैं, बहुत से केसेस रहते हैं आपके पास, सब लोग डरते हैं कि हमारी जवाबदारी कहीं सुनिश्चित नहीं है। सर, कि ये थोड़ा सा देखा गया है कि जैसे वीके बसु का केस था, तो वीके बसु में केस हर थाने में लगाए गए कि भाई अरेस्ट करने के पहले ये सब चीज़ें रखी जाए, हर चीज़ की जाए, इसमें अवेयरनेस आ गया लोगों के सामने, हमारे चाहे पुलिस अफसर हों, इन्वेस्टिगेशन अफसर हों। उसी तरह जैसे इन्होंने बोला, तो वो जम्मू कश्मीर का केस है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि पहले आप जान बचाओ, तो पहली चीज़ जैसे ये बच्ची बोली थी प्राइवेट वाले कहते हैं नहीं पुलिस आ जाए तब हम करेंगे, नहीं आगे आप उनको तुरंत, जैसे होता क्या है कि अभी भी हम उसमें धारणा है किसी का एक्सीडेंट हुआ या किसी को गोली लगी, तो हम चाहते हैं कि अगर हम इसको उठा के ले गए हॉस्पिटल तो शायद पुलिस हमें ही नहीं पता, ऐसी चीज़ें अभी बता रहे पहले ऐसा होता था। पुलिस भी अपनी जवाबदारी से बचती थी, डॉक्टर भी बचते थे, लेकिन अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, सबको मालूम है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा जरूरी है। नहीं, वो हेल्प करने में डर होता है सर, एक जैसे कोई रोड में एक्सीडेंट हुआ, मैं अगर उसको हेल्प करना चाहूँ तो फिर मेरा फ्यूचर में अपने काम पे रेस्टोरेंट थोड़ा सा जो है अब बहुत चेंजेस आ रहे हैं, पिछले 5-10 सालों में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। एक शब्द है तस्दीक शब्द है हमारे यहाँ पे पुलिस में, अगर कोई घटना की कोई सूचना देता है तो हम लोग पहले तस्दीक करते हैं, मतलब तस्दीक का मतलब ये है कि हम घटनास्थल पे जाके पता करते हैं कि घटना हुई है कि नहीं हुई है। बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि देखो CRPC के हिसाब से तो बड़ा स्पष्ट है कि हमारे पास में अगर कोई भी ऐसी सूचना आती है तो हमें FIR करना है, लेकिन थाना में लगभग, जैसे हम मुफ्ती थाने की बात करें, लगभग 100, 70, 100, 125 ऐसे व्यक्ति रोज आते हैं, वो किसी न किसी अपराध की सूचना हमें देते रहते हैं, लेकिन घटनास्थल पर जब पहुँचते हैं तो पता पड़ता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तस्दीक करवाना जरूरी रहता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो अगर पर डे में एवरेज भी मान के चले हम, अगर 25 FIR हो रही है तो एक महीने में कितनी हो जाएंगी, 750, जबकि हमारे थाने में साल भर भी 750 होती है। तस्दीक करना जरूरी रहता है। सर, जैसे रेप केसेस होते हैं बहुत से, उसमें कोई ऐसे से गाइडलाइन नहीं आई है जैसे कि कोई गर्ल्स कॉल करे तो पुलिस बिल्कुल 10 मिनट में वहाँ पहुँच ही जाए, मतलब उनको सेफ पॉइंट पे पहुँचती है। सर, बहुत से केसेस में होता है ना कि रेप केसेस है, गर्ल्स मर्डर चाह रही है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता है, तो वे में क्या है आपको बता रहे हैं? बहुत सी हेल्पलाइन के नंबर हमारे गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, 100 नंबर है महिलाओं से संबंधित अपराधों के, थाना स्तर पे जो थाना प्रभारी की COG नंबर है, जगह जगह बीच में गलियों में लिखे हुए हैं, ऐसे नंबर हम सेव करके रखना चाहिए, जब भी कोई इमरजेंसी आती है कि हो सकता है कोई एक नंबर नहीं लग रहा हो आपका, दूसरा लग जाएगा, 3-4 नंबर हमें से सेव करके रखें। बात आप बहुत गंभीर मामले की कर रहे हैं, रेप की, अगर एक महिला के साथ कोई भी घटना होती है, कोई छेड़छाड़ हो रही है, कोई पीछा कर रहा है, कोई कमेंट्स कर रहा है, आप बिल्कुल पुलिस को सूचना दें। इतने स्ट्रॉन्ग लॉ अभी तक ऐसा कुछ नहीं बना, क्योंकि बहुत सी चीज़ होते हैं कि रेप केसेस भी होते हैं बहुत से, तो
कुछ लोगों को तो अच्छी पनिशमेंट मिल जाती है, बट कुछ लोगों की पावर बहुत हाई रहती है, कुछ लोग की बात करिए सर वो छूट जाते हैं, मतलब के इतने रेप केसेस को लोग सीरियसली नहीं ले पाते कि तब भी इतनी रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे बढ़ते जा रहे हैं। जी ने आपको बता दें, जहाँ आपने बात करी कि कुछ लोगों के पास पावर ज्यादा रहती है, कानून के सामने कोई पावर नहीं चलती। क्या है, क्या ये पॉलिटिक्स और कानून, इसमें बड़ा क्या है? कानून बड़ा है, कानून सबके लिए है, वो हर चीज के लिए मतलब हर व्यक्ति के लिए चाहिए। ये मुद्दे लीगल क्वेश्चन, सर ये बात ये बड़ा आपका है। जो भी सुप्रीम कोर्ट की अगेंस्ट तुम्हारे वाले ने गाइडलाइन आई है अरेस्ट करने का, तो सर आप उस गाइडलाइन को कितना फॉलो करते हैं? अगर जो पुलिसमैन अरेस्ट करने जाता है तो उस गाइडलाइन को कितना फॉलो करता है, और उनको इस गाइडलाइन से अवेयर है कि नहीं है? अवेयर है, जो नहीं है उन्हें हमारे सीनियर ऑफिसर बता रहे हैं 100% पालन करते हैं, है ना। उन्होंने बड़ा स्पष्ट बोला है कि ऐसे मामले जिनमें 7 साल से कम की सजा है, ऐसे व्यक्तियों को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, है ना। नोटिस देंगे, उनको नोटिस देते हैं हम, हर एक कॉलेज पर नोटिस देंगे और उनको बताते हैं कि हम आपके खिलाफ ऐसी ऐसी FIR थाने में दर्ज हुई है, और FIR में इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके खिलाफ जो अपराध है वो हमने बिल्कुल सही पाया है, आप खिलाफ हम अभियोग पत्र पेश कर रहे हैं, आप इतनी तारीख को इतने बजे इस न्यायालय में पेश हो जाए, सूचना हम देते हैं। तो मैं जो महिलाएं रात को काम करती हैं, आगे सकते हैं एरिया बहुत किसान से आता है, रात को 3 बजे छूटते हैं सर, तो अपने पास सुरक्षा की खुद रख सकते हैं सर, ताकि घटना सर हाँ रख सकते हैं ना सर। और जो आधार कार्ड से जो लिंक कर चाकू छुरी बम के अलावा नहीं, मैंने पता किया था आधार कार्ड के साथ से आपको एयरगन मिल सकती है, अगर रीजन सही होगी आप एयरगन तो लाइसेंस सरकार से लो ना, ओरिजिनल गन का लाइसेंस भोपाल में तो बोले गया क्या भाई, उससे और अच्छी चीज है आप 1 महीने की ट्रेनिंग ले लो गर्मी के सीजन में, है ना, कराटे सीख लो, जरूरत जरूरत ही नहीं है। आप ये गन की बात क्यों कर रहे हो, क्या नाम है आपका? गौरव राज सोनी अपन जबलपुर में रह रहे हैं, जबलपुर तो भी बहुत सुरक्षित है, निकल जाए यहाँ से मुंबई निकल जाए मध्य प्रदेश, वहाँ पे भी मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, मध्य प्रदेश जो है अदर स्टेट से सुरक्षा के मामले में बहुत अच्छा है। आप कहाँ पर रहते हैं? गड़ा, गड़ा में कभी रात में निकले जबलपुर शहर में, गड़ा से स्टेशन तक आए हैं आप? पुलिस वाले कहीं दिखे आपको? कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें एक्यूज को पुलिस स्टेशन से बेल मिल जाता है, सर ये कौन से ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस स्टेशन से बेल मिल जाती है, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है उस बेल को? बेल नहीं है, आपने इसके पहले क्या बात करी थी? ऐसे मामले जिनमें 7 साल से कम की सजा है उन मामलों में हमें थाने को नोटिस पे करना पड़ता है, बेल वाली चीजें तब पुरानी होगी, नोटिस हमें देते हैं और नोटिस पे सर जो अपराधी होता है अगर वो इग्नोर करता है जो आप नोटिस भेजते हैं कॉलेज में, तो फिर जब उसको जब बेल देने वो जाता है तो उसका उस पर करेगा तो हम कोशिश करेंगे उसका जो नोटिस जो है उसके घर पे कहीं चिपका दें, उसके परिजनों को बता दें, उसके बाद भी अगर नहीं पहुंच रहा है तो बार बार प्रयास करेंगे, न्यायालय को सूचना देंगे, अगर न्यायालय अनुमति दे तो अरेस्ट करके जरूर पहुँचाएंगे। और सर अगर वो नोटिस आपके देंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पूरा अपना सहयोग करें तो फिर आप उसको अरेस्ट नहीं करें? नोटिस इसलिए तो दिए जो हमारे करने का उस मामले में बाबर ही मिल गई नहीं पावर नहीं है।